देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के न्यूज बुलेटिन पर। आज सुबह जम्मू के नगरोटा टोल प्लाजा पर हुआ आतंकी हमला। ट्रक में छिपे आतंकियों ने टोल प्लाजा पर चलाई गोलियां और आतंकी और सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, 1 जवान जख्मी हो गया और सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। आर्मी ने बहुत अच्छा ऑपरेशन लॉन्च किया। अभी ऑपरेशन में 3 आतंकी मैंने बताया कि मारे गए हैं और अभी हमारा एरिया सैनिटाइज करने की कार्रवाई चल रही है। वाराणसी घूमने आए यात्री ने मां गंगा से निर्भया के दोषियों के लिए जल्द से जल्द फांसी देने के लिए मन्नत मांगी है। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान दोषियों के लिए मांगी फांसी की मन्नत। वुहान से एयरलिफ्ट किए जाएंगे भारतीय एयर इंडियन की स्पेशल फ्लाइट, आज होगी रवाना। भारत सहित दुनिया के 20 देशों में अब तक कोरोना वायरस से लोगों के पीड़ित होने के मामले की पुष्टि हो चुकी है। पूर्व विधायक के संपर्क में था, डीएसपी के साथ पकड़ा आतंकवादी नवीद बाबा। जम्मू में ट्रक में छिपे आतंकियों ने टोल प्लाजा पर चलाई गोलियां, मुठभेड़ में 3 दहशत मारे गए, जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी वासी लोगों को नौकरियां, दाखिले में 4% आरक्षण, पिछड़े क्षेत्र का कोटा घटा। पुंछ में बसंत पंचमी के मौके पर माता अन्नपूर्णा मंदिर में हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया, साथ में लंगर भी लगाया। भारत पहुंचा वायरस, केरला में कोरोना का पहला मरीज। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा बाज, पूंछ में एक बार फिर आज पाक ने दिगाबर में बरसाए गोले, स्कूलों में हुई छुट्टी। देश के सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिन यानी 31 जनवरी और 1 फरवरी को हड़ताल पर हैं। आतंकियों की मदद करने के आरोपी बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में नया खुलासा हुआ है। जांच में हुआ खुलासा, हिजबुल से सैले लेता था बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह। आज देश के उस वीर शहीद सैनिक का जन्म जयंती है जिसे सबसे पहली बार सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था। एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था फिर भी दुश्मनों को कश्मीर को बचा ले गया था ये मेजर। मंदिर के आसपास ग्रामीणों को खुदाई के दौरान खेतों में मूर्तियां और शिलालेख मिल रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में मिली खुजराओं जैसी मूर्तियां, पुरातत्व विभाग ने मोदी सरकार को भेजी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एनकाउंटर, 1 आतंकी, 1.5-3 की तलाश जारी। निर्भया गैंगरेप केस दोषियों को कल फांसी मिलना है। मुकेश को छोड़कर 3 अन्य दोषी के पास अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प मौजूद है। आज के न्यूज बुलेटिन बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।